भारतीय नौसेना का एक संकल्प पूरा हुआ है, वो संकल्प है ऑपरेशन संकल्प, जिसका मोटिव था समुद्री लुटेरों से एक हाईजेक जहाज को छुड़ाना। अब इस ऑपरेशन के पूरे होने के बाद से भारतीय नौसेना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। देश से लेकर विदेश ने इंडियन नेवी की ताकत देखी है और अब भारतीय नेवी की तरफ से बुल्गारिया के जहाज को बचाए जाने के बाद वहां के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। बुल्गारिया के प्रेसिडेंट रुमेन रादे ने सोमवार को रेस्क्यू मिशन के लिए पीएम मोदी और नौसेना का धन्यवाद किया। जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स में बुल्गारिया के 7 नागरिक थे। इस पर पीएम मोदी ने कहा, हम आपके मैसेज की सराहना करते हैं, मुझे खुशी है कि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौट जाएंगे। भारत हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों और आतंकियों के खिलाफ लड़ता रहेगा। इस पर पीएम मोदी ने कहा, हम आपके मैसेज की सराहना करते हैं, मुझे खुशी है कि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौट जाएंगे। आगे पीएम मोदी ने कहा, भारत हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों और आतंकियों के खिलाफ लड़ता रहेगा, हम नेविगेशन की आजादी की रक्षा करते रहेंगे। दरअसल 16 मार्च को भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजेक हुए जहाज एमवी रुएन को बचाने का ऑपरेशन पूरा किया था। जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 28 किलोमीटर दूर चलाया गया। दूसरी तरफ बुल्गारिया की विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने रेस्क्यू मिशन के बाद वहां के मौजूद भारतीय राजदूत संजय राणा से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय नौसेना के मिशन के लिए धन्यवाद कहा। मारिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय सेना की वजह से जहाज पर मौजूद सभी क्रू सदस्य सुरक्षित है, वो जल्द ही घर लौट जाएंगे। उनके इस पोस्ट पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, दोस्त इसके लिए ही होते हैं। 16 मार्च को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद नौसेना ने बताया था कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। इसे पूरा करने के लिए युद्धोपद आईएनएस सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन चलाने से पहले नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहा था। बता दें कि मरीन कमांडोज को आदेश दिए गए थे कि अगर ये लुटेरे सरेंडर नहीं करते तो इनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। नौसेना ने ये अभियान ऑपरेशन संकल्प के तहत चलाया था। इस दौरान सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग भी की थी। भारतीय नौसेना ने घटना का एक वीडियो शेयर किया था। नौसेना ने बताया था कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज एमवी रुएन को हाईजेक कर लिया था। वो इस जहाज को इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। समुद्री डाकुओं से जहाज को छुड़ाने के बाद भारतीय नौसेना की बहादुरी की चर्चा देश से लेकर विदेश में भी हो रही है। इस मोमेंट के लिए आप इंडियन नेवी के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।